मुझे बुला रही थी ना, पानी में आ गई हूँ। सखी तो मुझे माफ कर दो। मुझे तो अब तुम्हारी माफी पर भी यकीन नहीं है, लेकिन जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। और मैं यही बताने आई थी कि मैंने केस वापस ले लिया, आजाद हो तुम। सारा बेटा, अब हम वलीद को अर्शियान के पास ले जा रहे हैं। ठीक है, जय चाहे। मैं मानती हूँ कि वो जो मोहब्बत डिजर्व करता था, मैं उसे वो मोहब्बत नहीं दे पाई, लेकिन उसे थोड़ा वक्त तो गुजार लेने देती उसके साथ, उसको वो प्यार तो कर लेने देती, जी भर के देख लेने देती एक दफा। बेटा, वलीद इसी शहर में रहेगा। अर्शियान ने कहा है कि तुम्हारा जब दिल चाहे तुम उससे मिल सकती हो। मैं इस मुल्क में नहीं रहूंगी, और शायद वलीद के लिए भी यही बेहतर है कि वो दो हिस्सों में नहीं बटे। बेटा, ये तुम्हारा सही फैसला। काश मैंने मुमानी और अर्शियान के कहने पर सारा को माफ कर दिया होता। मुझे सब समझाते रहे, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। चार कामयाबियां क्या मिल गई थी मुझे? मैंने तो खुद को सबसे अफजल समझना शुरू कर दिया। नहीं मिशार, तुम में तो इतनी आजसी है, तुम कैसे तकबर कर सकती हो? ऐसा ही है समीना भी, मैंने कहीं पढ़ा था जब इंसान बहुत आजिज होता है, उसकी आजिज़ी तकबर में मुब्तला हो जाती है, खुद को अफजल समझना शुरू हो जाता है। मैं भी सारा से खुद को अफजल समझना शुरू हो गई थी। मुझे समझ नहीं आया, काश मैं अपना यह मामला अल्लाह के हाथ छोड़ देती। आपने ठीक कहा था, मैं जिंदगी के कटहरे पर आ खड़ी हुई हूँ, और इन सब में मैंने मुमानी और अर्शियान को भी नाराज कर दिया। मानी तो चली गई, अर्शियान भी मुझसे बात नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है समीना आपी, कि सब खत्म हो गया है? मिशाल, दरअसल तुमसे अर्शियान की बेरुखी नहीं बर्दाश्त हो रही, मोहब्बत जो करती हो तुम उससे। मैं नहीं तो ऐसा ही है मिशाल, जब तक जाहिद जिंदा था तुमने इस मोहब्बत को दबा कर रखा हुआ था अपने अंदर, फिर जाहिद की मौत के बाद तुम्हारे लिए नामुमकिन हो गया उस मोहब्बत को दबाना। निशान, मेरी बात मानो, अभी भी वक्त है, मना लो अर्शियान को, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। कोई बुजुर्ग आए तुमसे मिलना चाहते हैं, वो शफीकुर रहमान का जिक्र कर रहे हैं। ये तो मेरे अब्बू का नाम है, मैं देखकर आती हूँ।
अर्शियान बेटा, तुम वलीद का बहुत ख्याल रखना। कहने की जरूरत नहीं है कल आपको, बेटा है मेरा, मैं समझ सकता हूँ। आपसे और आंटी से बहुत करीब है वलीद। अर्शियान बेटा, हो सके तो तुम सारा को दिल से माफ कर देना और इसके लिए दुआ भी करना। और बेटा, ये तुम चेक रख लो, सारा की वैसे जो भी तुम्हारा फैक्ट्री का नुकसान हुआ है, तुम इससे पूरा कर लेना। थैंक यू वेरी मच अंकल, लेकिन मुझे जरूरत नहीं इसकी। इसे सिर्फ तुम मेरी तसल्ली के लिए रख लो। अंकल, आपका कहना ही काफी है मेरे लिए। आपने कह दिया, समझे मुझे पैसे मिल गए। मैंने कोशिश और मेहनत करना सीख ली। अगर मैं आपसे पैसे ले लूंगा तो दोबारा से मेहनत और कोशिश नहीं कर पाऊंगा। पहला कदम तो मैं उठा चुका हूँ, बाकी मैं पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह तरक्की देगा मुझे। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब रखे, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया अंकल। और हाँ अंकल, एक और बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे। अगर आपका और आंटी का जब भी दिल करे वली से मिलने का, आप बेझिझक किसी भी वक्त आके मिल सकते हैं। आपका अपना घर है ये। थैंक यू बेटा। हाँ, जब भी हमारा दिल चाहेगा हम जरूर वली से मिलने आएंगे। मैं तुम्हारे वालिद का चचा हूँ। आपके वालिद ने जब मेरी बेटी से शादी का इनकार किया और नुसरत से शादी की, मैंने सारी बिरादरी को जमा किया और तुम्हारे वालिद को जायदाद से आग करा दिया। फिर भी वो हमसे मिलने आते थे, कभी जायदाद का तकाजा नहीं किया बेटा। कहते थे कि माँ बाप जायदाद से आग कर दें, लेकिन खून के रिश्ते तो नहीं टूट सकते ना बेटा। जितनी हो सकती थी उन्होंने अपने वालिदैन की खिदमत की, फिर वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। इस तरह बस ये सारी जायदाद मेरे पास आ गई। बेचारे अजीज रिश्तेदार छोटी छोटी जरूरतें लेकर मेरे पास आते और मैं इस जायदाद पे सांप बन के बैठा जाता। अब बेटा नींद नहीं आती, यही मलाल है। काश काश के मैं ये जायदाद देकर अपने रिश्ते बचा लेता बेटा। आज मैं दुनिया में अकेला हो गया बेटा। ये कबूल करो, इससे मेरी जान छुड़वा दे बेटा। बेटा मैं नादिम हूँ, तुम्हारा हक है बेटे। मैंने तुम्हारे बाप के साथ, तुम्हें तो पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ भी ये ज्यादतियां की हैं मैंने। तुम्हारा हक मारा है बेटा, मुझे माफ करो। अरे नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, मुझे शर्मिंदा ना करें। अल्लाह तुम्हें उम्र दराज अता फरमाए बेटे, अल्लाह तुम्हें खुशियां अता फरमाए बेटा। अल्लाह मुझे भी माफ करे। सारा छोड़ रही उसे? हाँ बेटा, बहुत खुश होगा ना अपने पापा के पास। अर्शियान प्यार भी तो बहुत करता है उससे। पापा से कह के मेरी सीट कंफर्म करवा दीजिए। अच्छा बेटा, करवा दूंगी। सारा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखना और जाते ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना। बेटा अपनी गलतियों से सबक सीखना और आइंदा ना करने का आज़म रखना
और बेटा जिंदगी में कभी खुदगर्जी से अपने बारे में मत सोचना। मिशाल की तरह दूसरों के लिए जीना सीखो, फिर तुम देखना तुम कितना खुश रहोगी और अल्लाह ताला तुम्हें हर चीज से नवाजेंगे जिसकी तुमने अल्लाह से ख्वाहिश की है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? खैर मुबारक, खैर मुबारक। बस जी, आपकी दुआओं से मैं कामयाब हो गया दोबारा सेक्ट्री को खड़ा करने में। आप आए ना, बैठ के चाय पीते हैं और केक खाना साथ खाते हैं। बस ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, तुम मसरूफ तो नहीं थी? मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? नहीं सर, आपने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि स्कूल की छुट्टी हो गई है। बाय द वे, मुझे ये बताया आपने मुबारकबाद किस चीज की दी है? ये भी अच्छा सवाल है, तुमने इतना अच्छा स्कूल बना लिया, खवातीन के लिए शेल्टर होम बना रही हो, और किस किस चीज की मुबारकबाद दो तुम्हें बेटा, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रही हो। सर ये सब आपकी वजह से ही तो मुमकिन हुआ है, आपने इतना हिम्मत और हौसला दिया था। नहीं नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और मुसलसल लगन की वजह से हुआ। बेटा मैं किसी दिन तुम्हारे स्कूल आऊंगा। जी जी सर, जरूर आइएगा। अल्लाह हाफिज़। मैडम कुछ बच्चे आए नहीं एडमिशन के लिए, उनके फादर आपसे मिलना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, उनको बुला ले। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मिशाल? बहुत तारीफें सुनी है तुम्हारी। मेरा मतलब है स्कूल की, क्या मेरा बेटा आपके स्कूल में एडमिशन ले सकता है? फरीद, देखें आपके बच्चे का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उसका एडमिशन होगा या नहीं। जरूर पास होगा, पूरा यकीन है मुझे। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैडम बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, जो पूछा बिल्कुल सही बताया। तो इसका मतलब यही है कि उसको कहीं भी एडमिशन मिल सकता है। आप इस तरह करें, उनके फादर को बोल दें कि कहीं और जाके एडमिशन करवा लें। बल्कि सुने जी, इस तरह करें कि एडमिशन फॉर्म फिल करवा लें। सही। हेलो। हाँ मिशाल, वो फैसल की कॉल आई है, मुझे वापस बुला रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, फिर आप कब जा रही हैं? नहीं मैं वापस नहीं जा रही। क्यों? देखो मिशाल, जब तक तुम अपने लिए कोई फैसला नहीं कर लेते मैं कैसे जा सकती हूँ? और तुम भी तो बच्चों वाली जिद लेके बैठी हुई हो। प्लीज मिशाल ये जिद छोड़ो और मान जाओ, अर्शियान अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जी सर, वलीद के स्कूल की छुट्टी का टाइम होने वाला है, आप कब निकलेंगे? आज मैं नहीं जाऊंगा, कोई और है जो उसे घर लेकर आएगा। अली भाई, ये वलीद अभी तक यहाँ पे क्या कर रहा है? घर क्यों नहीं गया? वालिद नहीं आए लेने के लिए? नहीं आए। खैर, जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है। पूरा स्कूल खाली हो गया था और वलीद आपका इंतजार कर रहा था। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हाँ, काफी नालायक हो गया हूँ मैं। किसी के साथ की जरूरत है, अगर वह साथ मिल जाए तो जिंदगी सवर जाएगी। बेटा मैं चलती हूँ। सुनो, शादी करोगी मुझसे? प्लीज। वनीत, आपने बिल्कुल ठीक तरीके से दांत साफ करने हैं, वरना आपके दांत खराब हो जाएंगे और फिर सारे दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे। आप क्यों डांटे? मम्मा को बोलूंगा। सही तरह से दांत साफ करोगे तो फिर नहीं डांटूंगी ना। पिंकी, वनीत किधर हो आप लोग? स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। जी मामा, बस 5 मिनट। आप रेडी क्यों नहीं हो? फैक्ट्री नहीं जाना था? एक मीटिंग है आज, जरा देर है उसमें। देर से जाऊंगा मीटिंग के लिए और देर से घर वापस आऊंगा। क्या मतलब देर से? ये क्या? कॉन्ट्रैक्ट जी। इसमें ये लिखा है कि आप पूरी जिंदगी मेरे नाम कर रहे हैं। आप ऑफिस से कभी लेट नहीं आएंगे, मुझे डिनर्स पे लेके जाएंगे, शॉपिंग कराएंगे, ट्रैवल कराएंगे और भी काफी चीजें लिखी हैं। और कुछ? बाकी आप ये खुद पढ़ लें। जो भी लिखा है मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे मंजूर है।